एक दिन वैशाख की दोपहर में धूप का अंत न था और गर्मी की भी हद नहीं थी। साहब का ही हुक्म है कि सबको छुट्टी होगी, तुझे नहीं। बोलो जी। तू क्या खाद धूल का मॉनिटर है जी? कान खोल कर सुन ले, भागेगा ये पिटेगा तू, समझा जी? दे इसे हिसाब लगाने को दे। ले ये हिसाब लगा, जा बैठ कर। मुझसे हिसाब नहीं होता। देखो
एक मन तेल का दाम 14.99 तीन पाई हो तो ये क्या हुआ? देवर कहाँ? मकान बनवाने के लिए सस्ता देके खरीद लिया, तू इसे बर्बाद करा। अरे क्या किया, मैं तो मंजर छटा गया, देखो मैं अकेल के भाग गया। वो इतने मुस्तैदे उसे देखा भी नहीं सके। ए, तू क्या खींची कर रही है? देवा कहाँ गया? अरे देवा पकड़ा नहीं गया। क्यों? उसने पत्थर मारना शुरू कर दिया। मुझे भी पत्थर मारा है यहाँ। अरे पत्थर मार के सर फोड़ दिया। चलो सब मिलके चलते हैं जमींदार कचहरी में, दिखाते होंगे आज अपने पूत की कसूर। देवदास हाथ से पाठशाला में नहीं आएगा। चल भूल ये मन भर चूना जेब में भर के ले जा रहा। निकल, क्या नाश करके रख दिया था। अरे मुंह से नहीं पोछना, जमींदार साहब को दिखाना है अभी। हाँ चल। मनु दीदी, क्या सच्ची देवदास को पाठशाला में नहीं आने देंगे? क्या पता, ये मुआ पंडित मेरा तो आप ही आने को जी नहीं। अब आप ही हुक्म करें जमींदार साहब, मैं क्या करूं। ये तो बड़ी मुश्किल हुई, मेरा लड़का जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो रखवाली कौन करेगा? गया कहां? मैं क्या जानू जमींदार साहब, जो लड़के पकड़ने गए उनकी ये गतिमन। अरे वो कहां गया, जरा इसकी हालत देखिए। जय जो पिताजी, जहां भी देवा मिले तो पकड़ गया। आप चिंता न कीजिए पंडित जी, धर्म कांटे का एक ही तोल, जमींदार का बेटा होने के कारण देवा का पक्ष न होगा। चलो तू पारो, आज तू अकेली लौट रही है, देवा कहाँ है? वो तो भाग गया धर्मदा। क्या बोलती है, भाग कैसे गया? क्या बताऊं धर्मदा, एकदम चूने की दिल पर चीप पट कर दिया। बोलो की सूरत देखिए, पूरा बगिया मालूम। तू हंसे ही जाएगी या कुछ कहेगी भी? बता बता देवा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, तू जानती है, तू सब जानती है। बता, उसे जरूर भूख लगी होगी। भूख तो लगी होगी, पर मैं बताऊंगी नहीं, वो मुझे मारेंगे, मैं खुद ही जाकर खाना दूंगी। अच्छा अच्छा, तू ही जाना, पर सुन, उसे बात में भुला कर संध्या से पहले पहले घर भी ले आना है। अच्छा बाबा, घर भी ले आऊंगी बस। जानते पिताजी, आज पाठशाला में क्या हुआ? अरे बावली हो गई है, क्या हुआ पाठशाला में? भूख लगी है, पहले कुछ खा लूं फिर बताऊं। अच्छा अच्छा। माँ माँ, माँ भूख लगी, कुछ खाने को दो। देती हूँ। बस इतने से क्या पेट भरेगा? रोज तो इतने ही से पेट भर जाता था, आज क्या बात हो गई? अरे देते ना बहू, कोई हलवा संदेश थोड़ी है, मुरमुरे ही तो है। देते मेरी रानी बिटिया को, दे दे। बस फिर तंबाकू पी रहे हो ना? तो क्या हुआ, मर्द लोग सभी पीते हैं। ओ खाने बुलाइए, ला दे। तुम पारो क्या कर रही हो? उन्होंने सब बातें जाकर तैयारी से कर दी है। बंद बाबू जी से पहले क्या हुआ? अब वो तुम्हें पाठशाला में नहीं जाने देंगे। ना जाने दे, मैं पढ़ने नहीं जाता, ना संदेश दे। वो तो मैं नहीं लाई। अच्छा तो जा पानी ला। पानी या कहाँ मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा, संदेश नहीं मिलेगा, तो फिर मिलेगा तेरा सर। जा जाके पानी ला। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मालूम है तुम यहाँ से भाग जाओगे। नहीं भागूंगा, जा कह रहा हूँ ना। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, जा मैं कहता हूँ। मैं जाऊंगी, सब जाके ताया जी से कह दूंगी। पारो, ओ पारो, जा दफन हो जा।
पिताजी सब जगह ढूंढा लेकिन देवर कहीं पता नहीं चला। कहाँ गया? क्यों बेटी रोती क्यों है? देवर ने मुझे मारा है। कहाँ वो बदमाश? बगीचे में, जानते हैं दादाजी, वहाँ वो छुप छुप कर तंबाकू पीता है। वो तंबाकू भी पीने लगा? अनर्थ हो गया, अंधेर आ गया। आशीष लड़के का स्कूल बंद, खाना बंद। दुजदास अभी जा और जैसे तैसे भी उसे कान पकड़ के ला। सत्यानाशी ये कुल कलंक। बस बस जी, बहुत मार लिया, बात करो। हाय राम, मुझसे डांट डपट करते हैं, मारी तो नहीं डालते। अरे हटो जी, ये तुम्हारी ही चोटले हैं जिसने उसे बिगाड़ा है। खबरदार, जो किसी ने दरवाजा खोला आज इसे खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। चल बेटा, चल के खाना खा ले। नहीं, मैं ही खाऊंगा। चल मेरा राजा बेटा, चल। आरो, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मेरा पेट दुखता है। नहीं मारूंगा। तो फिर तुमने मुझे क्षमा कर दिया? हाँ बाबा, कर गया। ओके, स्टाफ लिखाना है। सुन पारो, चल राम बाबू के बाबू, मैंने देखा वहां बुलबुल का बच्चा, उसे पकड़ के तुझे दूंगा। इस डाली
बोल बेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है, छोड़ी जो डाली एक बार वहाँ कब लौट के आना है। पिताजी, वो माधव भी रोता होता शिकायत लेके आया है। मछलियों के लिए जो जाल उसने नदी में लगाया था उसे देवदास ने तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। देवा की शरारतें अब हद से ज्यादा बढ़ी जा रही। सोचता हूँ कि तो तुम्हारे भाई नगेंद्र के पास कलकत्ते भेज दें, यहाँ रहकर तो बिल्कुल चौपट हो जाएगा। मगर शहर और इस बाली उम्र में। नहीं नहीं माँ, इस मामले में रुकावट न डालो, ये सब उसी की भली तो है। अच्छा, जो तुम लोग ठीक समझो करो, मैं किसी बात में दखल नहीं दूंगी। जी बेटा, रोते नहीं। नहीं माँ, मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा। कर हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है बेटा, लेकिन तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर बढ़ो, इसीलिए भेजना पड़ रहा है। चल चल मेरा बच्चा। जा बेटा, गाड़ी में बैठो जा। जाते समय रोते नहीं भैया, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। नहीं जरा, मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा। जाएगा कैसे, चल बैठ। नौजवान गाड़ी चला। जानती क्यों नहीं बेटी? तो फिर गाना। गाना क्या यूं ही होता है, भिक्षा देनी होती है। चलो तुम्हारे घर चल के गाएं। नहीं नहीं माँ, नहीं, यहीं गाओ। पैसा देना होगा। पैसा? पैसा तो नहीं है मेरे पास, रुपए हैं। रुपए? चलो बेटा, चलो बेटा। भागे
का नान मिलो आन मिलो आन मिलो श्याम सवरे आन मिलो कोई कोई फिरे ओ काना आन मिलो श्याम सवरे आन मिलो। माँ मैं कल से फिर पाठशाला में जाया करूंगी, मुझे अकेले में कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है चली जाना। सुन एक काम तो कर, ये घड़ा ले जा और ताल से पानी भर ला। देखा है हाथ में छड़ी कलाई पे घड़ी बर्तन चैन पूरा बाबू साहब बन गया है। पहले तो हर साल छुट्टियों में गाँव आया करता था, फिर दो तीन साल से दोस्तों के साथ कभी नैनीताल कभी मैसूरी जाने लगा, और अब ना जाने गाँव से क्यों आया है, शायद तेरी याद खींच लाई। चल ही ऐसी होती है, आदमी रंग बदलता है ढंग बदलता है, शायद देवदास भी बदल गया होगा। चाची ये तो देवदास की आवाज है ना। हाँ अरे देवदास तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई, आओ बेटा अंदर आओ। इसे रखो बेटा, बड़ी उम्र है अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई बेटा। बहुत दिनों के बाद देख रही हो ना चाची, इसीलिए। पारो कहाँ है? पारो? अरे अभी तो यही थी, शायद ऊपर चली गई। पारो? अरे ओ पारो देख देवदास आया है। रहने दो दादी मैं खुद ही चला जाता हूँ। पारो
कितनी बड़ी हो गई हो तुम। अच्छा रात हो गई, मैं चलूंगा। अरे ये क्या, अभी यार अभी चलती है। सफर से आया हूं ना ठाकुर माँ, थक गया हूं, कल आऊंगा। अच्छा बेटा चला गया देवदास। हाँ बहू। अच्छा देवदास और पारो में कितना स्नेह है। क्यों ना वो, बचपन से दोनों साथ बड़े हुए हैं और पारो की मर्जी तो शादी की हो गई, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी बनेगी। नारायण बाबू के इनके ब्याह की बात चलाई जाए तो कैसी रहे। कैसी बात करती हो माली, तुम भी आसमान में थिगली लगाती हो। वो बड़ी जात जिम्मेदारी के लोग। जात जिम्मेदारी बड़ी है तो सुंदरता भी कम नहीं। आंख बड़े मैली होती अपनी पारो, मैं जरूर देवदास की माँ के पास जाऊंगी, देखूंगी वो कैसे ना कैसी है। बहू देखना तो मैं शायद भंडार घर खुला ही छोड़ा ही हूँ। मैं कहती हूँ जी, आज पार्वती की दादी ने उसके ब्याह की बात चलाई थी। हाँ वो सियानी हो गई है, उसका ब्याह तो हो जाना चाहिए। तभी तो उसने बात छेड़ी थी, कहा कि अगर देवदास के साथ। फिर तुमने क्या कहा। मैंने वही ना कह दी। ठीक किया तुमने, एक तो हमसे छोटी जात के ब्राह्मण, दूसरे पड़ोस में संदेह आना, तुम उनकी बातों पर कान न धरना। माँ किसने तुम्हें पार्वती की शादी की बात करने के लिए देवदास की माँ के पास जाने को कहा, पूछा क्यों नहीं मुझसे। बड़े आए हैं जमींदार, ऊंची दांत वाले ब्राह्मण, हम नीची दांत वाले ब्राह्मण हैं, तुमके घर मांगने नहीं जाते। लड़की का ब्याह करने के लिए हमें लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत ना पड़ेगी, उल्टा लोग ही हमारे पैर पकड़ेंगे। तुम्हें फिक्र किस बात तो होती है बेटा। फिर वही बात, तुम समझती हो कोई हमें पूछता नहीं। एक छोर छह छह संदेश आ चुके हैं, नारायण बाबू से बड़े जमींदार के यहाँ बेटी की शादी ना की तो नीलकंठ ना कहना, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर सब ठीक किए देता हूँ। ना ही गाँव में ही रहता, कहीं दूर नहीं, बल्कि मैं भी चलता हूँ। अच्छा पारो,
वर की उम्र कितनी होगी? किसकी वर की? तेरे वर की और किसकी? कोई 23-24 बरस। क्या मतलब? मैंने तो सुना है उसकी उम्र 40 से भी ऊपर है। जानी की उम्र 40 हुआ करती है मनु दीदी। मैं क्या सबका हिसाब रखती हूँ? मैं जानती हूँ तो बस इतना, मेरे वर की उम्र 23-24 की होगी। और नाम क्या है? अरे मेरा खाया पिया सब कुछ जानती है, और ये नहीं जानती? तेरे मन की बात मैं कैसे जानूं? ले सुन, पासा और पास, हट बेशक, ज्यादा हंसी मजाक की जरूरत नहीं। बता सीधे सीधे क्या नाम है उनका? बता तो दिया। लेकिन मैंने तो दादी से सुना है कि तेरा ब्याह मानिकपुर के जिम्मेदार से पक्का हो गया। पक्का कैसे हो गया है? ब्याह होगा तो मेरे साथ ही होगा, दादी के साथ तो होगा नहीं। ओ, मालूम होता है अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक गई है, छुप छुप के पक्का बंदोबस्त हो गया। कच्चा पक्का अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो क्या कहती है पारू? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। तो फिर देवदा से ही पूछ कर बतलाऊंगी। उनसे क्या पूछेगी? तुझसे ब्याह करेंगे या नहीं? और नहीं तो क्या? कुछ तो सोच मूर्ति, क्या खुद ही ये बात उनसे पूछेगी? लाज ना लगेगी तुझे? इसमें लाज कहेगी? तुमसे कहने में क्या मुझे लाज आई? मैं ठहरी और फिर तेरी सहेली, लेकिन वो तो मर्द है। तुम सहेली हो और अपनी हो, लेकिन वो क्या पराए है? जो बात मैं तुमसे कह सकती हूँ क्या उनसे नहीं कह सकती? मोनू दीदी, तुम झूठ मूठी मांग में सिंदूर लगाती हो और ये नहीं जानती स्वामी किसे कहते हैं। वो मेरे स्वामी हैं, मेरी लज्जा शर्म से परे, उनके पास मेरी लज्जा कैसी? अरे मनोरमा, तेरे घर से कोई बुलाने आया है। अच्छा पारो, फिर आऊंगी। नयन कौन? मैं। अब अति देखी देखन जोगी रामा भजु रामा सासु बचन अति अरे पारो, तुम इतनी रात में अकेली ही गई हो क्या? हाँ। क्या कह रही हो? रास्ते में डर भी नहीं लगा? मुझे भूत से डर नहीं लगता। अरे भूत से नहीं, पर आदमी से तो डर लगता है ना? शायद इस वक्त उससे भी नहीं। घर के अंदर कैसे आए? किसी ने देखा? दरबान ने देखा था। बरामदे में नौकर चाकर थे, उनकी भी नजर पड़ी होगी। शायद पड़ी हो। तुमने ऐसा क्यों किया पार्वती? कल के शर्म से तुम्हारा सर नीचा नहीं होगा। जरूर होता अगर मैं ये न जानती
कि मेरी सारी लज्जत तुम ढक लोगी। मैं? लेकिन मैं भी कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम? तुम्हारा क्या है? तुम ठहरे मत, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारे कलंक की बात लोग भूल जाएंगे। दो दिन बाद किसी को इस बात का ध्यान ही न रह जाएगा कि कब किस रात को बदनसीब पार्वती तुम्हारे चरणों पर सर रखने के लिए अपना सब कुछ तुझ समझ कर ही आई थी। मैं तुम्हारे कलंक की बात सोच रहा था पारो। मेरे कलंक की बात? मुझ पर कोई कलंक नहीं है। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास छुप कर आई थी तो ये निंदा मुझे न लगेगी। अरे तू रो रही है पारो? नदी में कितना जल है, क्या इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे माँ बाप इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर लूंगा तो तुम कहाँ रहोगे? तुम्हारे चरणों में मुझे यही थोड़ी सी जगह दे दो मेरे देवता। पारो चल, तुम्हें घर छोड़ा हूं। मेरे साथ चलोगे? क्या हर्ज है, अगर तुम आ सकती हो तो मैं नहीं जा सकता, बदनामी होगी ना। तो अच्छा है, शायद उसी में से हम दोनों के लिए कोई रास्ता निकला है। तब चलो। नीच कुल का रिश्ता ना तेरे पिता मानेंगे ना भैया, तू क्यों भीड़ के छत्ते को छेड़ता है छोटी सी बात के लिए? तुम्हारे लिए वो छोटी सी बात है ना। मैं पूछता हूं, ऐसा सवाल करने की हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? घर की इज्जत कुल की मर्यादा का कुछ भी ख्याल नहीं रहा? खामोश, बंद कर ये बकवास। इस बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो मैं तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगा। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने। कलकत्ते जा रहा हूँ। कलकत्ते? अरे सुन तो सही, देवदा! दिल
भरोसा नहीं बिल्कुल 20 साल को छोटे मंगे देवदास तुम कब आए? तुम भी चलाओ वो एक मिनट में दिखाई दे जाते हो और एक मिनट में गायब हो जाते हो। इतनी रात हो गई तुम सोए क्यों नहीं? नींद रोज थोड़ी आया करती है चुनाव। नींद नहीं आती? अरे हम तो समझते थे कि तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के इस चंद्रमुखी रजनी की सूरत ही नहीं देखते, मगर आज पता लग गया। हम क्या बात है, तुम बोलते नहीं, कोई तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारे मन में कुछ क्लेश है? तुम्हारे मन में कोई क्लेश नहीं चुनी? नहीं बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर कभी कोई दुख नहीं देखा? दुख देखा तो है, मगर ये सब जिंदगी का मामला है। ऐसे हंसकर गुजार दे या ऐसे रोकर गुजार दे, खुश रहने के लिए थोड़ा सा अपने आप को धोखा भी देना पड़ता है। मगर तुम ये सब क्यों पूछते? सिर्फ सुनने का शौक है। सुनने का शौक है तो एक दिन हम तुम्हें सुनाएंगे और तुम सुनना। चुनी बाबू, ये तुम रात रात भर कहाँ गायब रहते? बड़े भोले बनते हो, तुम नहीं जानते? जानता तो हूँ लेकिन कुछ ठीक से नहीं जानते। तो ठीक से जानने के लिए तुम्हें मेरा जैसा अलबेला बनना पड़ेगा। सुना है वहां जाके दुख दर्द सब भूल जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर मुझे भी वहां ले चलो। सुन, मेरे साथ चलोगे? अच्छा, कल चलें। अभी तुम सो सो जा। जब से मैं यहां आया हूं मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल सता रहा है। मेरे माँ बाप में से किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं कि हम दोनों का ब्याह हो। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। अगर तुम्हें सुखी करने का जतन करता हूं तो माँ बाप के जज्बात को धक्का पहुंचता है और ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उस रात तुम अपना सब कुछ तज कर मेरे यहां चली आई, इस बात के ख्याल से मुझे कितना दुख होता है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ पारो, और ये मेरे मन से कभी नहीं आई कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे दुख भी है तो यही कि मेरे लिए तुम क्या कुछ कष्ट उठाओगी। कोशिश करके तुम मुझे भूल जाना। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें इसमें कामयाबी हो। माधव जी, ये चिट्ठी तो डाले जरा। बहुत अच्छा जी। ये तुमने क्या किया देवदास? क्यों क्या किया? कुछ किया ही नहीं। वो बचपन की साथी तुम्हारी अपने मान अपनी लज्जा को छोड़कर तुम्हारे पैरों में जगह मांगने चली आई और तुम उसे कुछ कहे सुने बाहर यहां भाग कर चले आए। मैंने झूठ लिखा नहीं चाहती, मेरी मां नहीं चाहती। हां लेकिन इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया तुमने? कैसे लिख दिया कि तुम उसे नहीं चाहते? कोई रास्ता भी तो नहीं था, मगर तुम तो जानते हो कि बारू कितनी अभिमानी कितनी हटेली लड़की। सोचा भी है तुम्हारी चिट्ठी पाकर का क्या हाल होगा?
नदी में कितना जल है, क्या इतने जल से भी मेरा कलंक न धुलेगा? माधव, 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 जी आया। वो चिट्ठी जो मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ है? वो तो अभी मैं पोस्ट ऑफिस में छोड़ कर आया। अरे देवदास, जाना नहीं है? जाने का ही तो बंदोबस्त कर रहा हूँ। तुम सारा घरबार अपने साथ ले चलोगे? और किस पर छोड़ के जाऊंगा? अरे भले आदमी, हमारा भी तो सारा सामान यहीं पड़ा रहता, हम किस पर छोड़ जाते? चुनी बाबू, अब मैं यहाँ लौट के नहीं आऊंगा। हम जिसके नाज उठाते हैं, इतना भी हमारा कर न सके, वो बिस्तर हमारा रख न सके, थोड़ा सा किराया भर न सके, आज तो ऐसे ही चले चलो। कल अगर समझ में आए तो बिस्तर भी अपने साथ ले चलना। चुनी बाबू, मैं घर जा रहा हूँ। घर? फिर लौटोगे कल? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ आने से मुझे अपना सब कुछ खो देना पड़ेगा, मैं इस तरह लूट जाऊंगा, तो मैं यहाँ कभी ना आता। अरे भाई, मगर तुमने कहाँ क्या खो दिया? फिर कभी मिले तो बताऊंगा। हाँ, ये रुपए लो, जिसका जो मेरे जिम्मे हो वो चुका देना, और बाकी सब नौकरों में बांट देंगे। ये ले जाओ अंदर, किशन में आता हूँ। अच्छा, किसकी चिट्ठी है? पार्वती देवी की चिट्ठी थी, उन्हें दे दी। ओ, मेरे मन से कभी नहीं आया कि मैं तुम्हें चाहता हूं। माँ, माँ, मानकपुर से पार्वती के ससुराल वाले आशीर्वाद देने आए। पारो, अरे ओ पारो। खैर पारो, मैं आ गया। क्यों? उस रात की बात तुझे याद नहीं क्या? हाँ, और वो चिट्ठी भी जो तुमने लिखी है। मुझे माफ कर दे पारो, वो खत मैंने जल्दी में ही लिख दिया था। न जाने मुझे क्या हो गया था, सोचने की ताकत भी नहीं रही। चुप रहो, मैं वो सब सुनना नहीं चाहती। सुनो पार्वती, जैसे कैसे भी होगा मैं अपने माता पिता को राजी कर लूंगा। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरी नहीं है, उनके राजी होने या ना होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? लेकिन उन्हें तो इस बात से इनकार नहीं है ना। बिल्कुल इनकार है, जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ दो। पारो, क्या मुझे बिल्कुल भूल गई हो? तुम जैसे चंचल चितावनी पर मुझे कोई विश्वास नहीं। मेरे माता पिता मेरी मंगल कामना करते हैं, उन्होंने जो किया है मेरी भलाई के लिए किया है। तुम रास्ता छोड़ दो। इतना अहंकार क्यों ना हो? तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तुम में रूप है, कुल नहीं। मुझ में रूप है और कुल भी है। तुम लोग बड़े आदमी हो तो मेरे माता पिता कभी भीख नहीं मांगते हैं। पारो, तुम सोच रहे हो मेरी बदनामी करोगे, कर लो। मैं तुम्हारी बदनामी करूंगा? वो कैसे? उस रात मैं तुम्हारे घर तक चली गई थी ना, यही बात चौकूट फैला दो, तुम्हारे मन को शांति हो जाएगी। सुनो पार्वती, ये रूप तुम्हारा ना रूप अच्छा नहीं है, इससे अहंकार बहुत बढ़ जाता है। जानती हो ना, चांद पे भी रूप छिवाया है, इसीलिए उसके चेहरे पर दाग है, और तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसा ही दाग बना दूं।
किया देवदास। रो नहीं पारो, ये जख्म तो जल्द ही भर जाएंगे, सिर्फ एक दाग रह जाएगा। अगर कभी कोई कुछ पूछे तो झूठ मूठ कोई बात बना के कह देना, और नहीं तो सच ही बता देना। लेकिन देवदास, कुछ नहीं पारो, इस आखिरी विदाई के दिन याद रखने के लिए सिर्फ एक निशान बना दिया है, ताकि चांद से उखड़ा कर कभी आईने में देखो तो शायद तुम्हें मेरी याद आ जाए। मैं मूर्ख तेरा मेरा शायद जन्म जन्म का यही रिश्ता है, पर तुम उसे भूल जा पा रहा। तुम तो जानती हो कि मैं नादान हूं, सोच समझ कर कुछ बात नहीं कर सकता। तुमने अच्छा ही किया बारे, शायद मेरे साथ ऐसा तुम कभी सुख नहीं पाते। क्यों बैठी हो? मैंने सुना है तुम्हारी शादी तो किसी बहुत बड़े जमींदार से हो रही है। याद है तुमने बचपन में हमें 3 रुपए दिए थे और मैंने कहा था तुम किसी राजा की रानी बनोगी, ठीक हुई ना मेरी बात? आज तो तुम्हें जी खोल के दान देना पड़ेगा बेटी। हाँ
जी चाहता है देवदास को एक बार बुलाकर ये सरल मूर्ति दिखा दो। क्या ये हो सकता है मंदिरी? एक बार उनके चरणों की धूल माथे पे लगा सकती हूँ? भूल जा रानी, मैंने सुना है वो निर्मोही तो कलकत्ते चला गया। अरे देवदास, तुम फिर आ जाओगे? कब आए तुम? कल? फिर कहाँ रहे सारा दिन और कहाँ बिताई सारी रतियाँ? पार्क में। तुम कुछ पागल हो? क्या हो गया है तुम्हें? पिताजी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं, किसी और के साथ झगड़ा हुआ? मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, किसी और के साथ झगड़ा हो कैसे सकता था? तुम जहां जाते हो वहां सचमुच सब दुख दूर हो जाते हैं? हो तो जाते हैं, लेकिन वो जगह अच्छी नहीं है। अच्छा, क्या बुरा क्या सब बेकार की बातें हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो चिंग बाबू। आए गुले फुसुरदा लगा लूं गले तुझे, मेरी तरह से तू भी लूटा है शबाब। वहां ले चलने में तो कोई हरज नहीं देगा, लेकिन तुम ना जाओ तो अच्छा है। मैं वहां से दूर जाऊं तो तुम्हारी मर्जी। चलो पार्वती, पालकी पे चढ़ो बेटी। अरे उतरो ना देवदास, क्या सोच रहे हो? ये कौन है? कबाब में हड्डी। हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या? दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया। हे देखा, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है? हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद। तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी, मुड़े सैया।
बाहर इधर से जाइए। क्यों इधर जाइए? नहीं इधर नहीं। अच्छा चलो। अरे तुम कहाँ चले? जरा एक मिनट यहीं बैठो, मैं सिगरेट लेके आता। बदतमीज लड़की, रुपए लेती हो ना? आपके चरणों की धूल जब मेरे घर। चरणों की बात नहीं करता, रुपए की बात करता हूँ। रुपए लेती हो ना? जी लेती हूँ। न लो तो हमारा काम क्या? बस बस, मैं और सुनना नहीं चाहता। लौटा देना। मैं क्यों लौटा दूं? वो अपनी मर्जी से दे गया है ना? अपनी मर्जी से नहीं, हम रुपए लेती है ना, इसीलिए नाराज होकर दे गया है। चुनी बाबू, तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? क्या?
उन्हें फिर किसी दिन यहाँ ला सकती हो। मगर वो ऐसी जगहों में कभी आया नहीं है और मैं समझता हूँ अब वो आएगा भी नहीं। मगर तुम बुलाने क्यों चाहती हो? यू ही उन्हें फिर एक बार देखना चाहती हूँ। झिड़की खा कर प्यार हो गया है। तुम नहीं जानते चुनी बाबू, ये पहला आदमी है जो बिन मतलब पैसे देकर चला गया। नहीं समझे? समझता हूँ। नोटों पर लालच करने वाली कोई और तुम नहीं, मगर असली बात क्या है? क्या पूछते? कुछ मौसा हो गया है। अरे तो इस 5 मिनट में लागे मोरे नैन उलटे। मजाक छोड़ो, उन्हें जरूर लाना। लाओगे ना? क्यों ना लो? तुम्हें मेरे सर की कसम। ये बात है तो जरूर कोशिश करूंगा। धंधा देवा, माने ये चिट्ठी देकर भेजा है मुझे। तुम बिना कुछ कहे सुने चले आए, जब से मां कितनी रो रही हूं। ये लो रुपए भेजे, चलो घर चलो। तुम लौट जाओ धंधा, मैं घर नहीं जाऊंगा। आओ बाबू, आओ लक्ष्मी रानी, संभालो अपना घर बार। माता जी, मैं आपका बड़ा लड़का हूँ महेंद्र। माता जी, मैं आपका बड़ा लड़का हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज 2 बरस हुए हम अपनी माँ को खो बैठे। इन 2 वर्षों से दुख और मुसीबत ही में हम लोगों के दिन बीते। अब आप आ गई हो माँ, आशीर्वाद दीजिए, हमारा जीवन सुखी हो जाए। और बेटी यशोदा कहाँ है? जी जी वो अपने ससुराल है। मैंने चिट्ठी लिखी भी थी मगर वो यशोदा आ ही न सकी। आ ही न सकी या जानबूझकर नहीं आई? ये मैं ठीक नहीं जानता माँ, लेकिन पिताजी जाकर ले आए तो वो। छी, वो क्यों जाए? हम माँ बेटी क्यों न जाकर ले आए? नहीं माँ, फिर आप भी क्यों जाए? मैं खुद ही जाकर ले आऊंगा उसे। छोड़ दो, मुझे मैं कहीं जाऊँ? छी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। जाएगी क्यों? चल आओ बेटी। बेटी अपनी माँ से कुछ नाराज हो? नहीं नहीं, मैं भला नाराज क्यों होने लगी? बैठो। ये क्या? कुछ नहीं, सिर्फ माँ की साथ है तुम्हारी। ये तुम्हारे पिता का घर है, कितना बड़ा घर, कितनी नौकर नौकरानियों की जरूरत रहती है इसमें। मैं भी तो एक दासी के सिवा और कुछ नहीं हूँ। बेटी कुछ दास दासियों पे नाराज होना क्या तुम्हें शोभा देता है? माँ, मैं तुम्हारे पाप पड़ती हूँ, मेरे अपराध पे ध्यान न देना। क्यों नहीं माँ, कैसी लगी बात? अब माँ को कहते थे तो उनके बारे में कहते रहे। नाना भैया, मैं तुम्हारी पाँव पड़ती हूँ, माँ को कुछ नहीं कहना। पार्वती, तुमने मुझे बड़ी भारी लज्जा से मुक्ति दे दी। बेटी बेटे सभी को अपना बना लिया, महेंद्र की शादी भी तय कर दी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम सदा सुखी रहो पार्वती। ये क्या कहते हैं? काश मैं ये बात तुम्हें समझा सकता पार्वती। ये मैंने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया थी? मैं क्या कहूं पार्वती, सोचता हूं तुम मेरे यहां सचती नहीं। सचती क्यों नहीं? हम लोगों का सचना या ना सचना थी। मैं
क्या बात है देवगन, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ कहो तो। कहने से कोई बात नहीं है सुनी बाबू। तो फिर मेरी एक बात मानो। क्या? चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? अरे वहीं जाओ, समझ गए थे। मुझे अच्छा नहीं लगता सुनी बाबू। अच्छा तुम क्या वहीं जा रहे हो? जा तो रहा हूं, कहो तो ना जाओ। नहीं ये मैं नहीं कहता, लेकिन क्या उम्मीद लेके जाते हो वहां? क्या मिल जाता है तुम्हें? मिलता मिलता तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ अपना समय बिताने जाता हूं। समय बीत जाता है, मेरा तो बिताया नहीं बीतता। तो तुम मेरे साथ चलो, ऐसा बंदोबस्त कर देता हूं तुम्हारा कि समय बीतेगा नहीं बल्कि भागने लगेगा। Thank you.
क्या कहूं भैया, सच कहना मेरा फर्ज है। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, जो दवाई मैंने दी है वही पिलाते रहिए, आगे ईश्वर की मर्जी। अब कौन बेला देखते हो बेटा, देवा को खबर कर दो। कैसे खबर कर दूंगा, उसका कोई पता ठिकाना भी हो? तू खुद जाकर ले आना। ऐसी उल्टी सीधी बातें करती हूँ मां, मैं पिताजी को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे चला जाऊं? वहां धर्मदास है, उसको तार दे देते हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आएगा। क्यों? कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं, बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो तभी होश ना आने पाए। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं। छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा, अगर छोड़ दिया तो फिर यहां कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मेरा तो इलाज है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो पीते भी नहीं और फिर भी यहां आते? जाने कितना दुख हुआ, मैंने पीना शुरू किया। मत छू, हाथ मत लगाओ मुझे चंद्रमा, अब भी कुछ होश बाकी है। तुम नहीं जानते मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करता और हमेशा करता हूं, फिर भी आऊंगा तुम्हारे पास, बैठूंगा, बात नहीं करूंगा, इसके सिवाय और उपाय भी क्या है? तुम लोग क्या ये बात समझ सकोगे? लोग अंधेरे में पाप करते हैं और मैं उजाले में यहाँ आके शराब, और तुम सब सहन शक्ति की जीती जागती तस्वीर। चंद्रमुखी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता। नहीं, लोग नाटक करते हैं, मुंह पे कालक चूना मलते हैं, राजा बनते हैं, रानी बनते हैं,
प्यार करते हैं प्यार के न जाने कितने ढोंग रचाते हैं, और यूं लगता है जैसे सब सच है। चंद्रमुखी भी नाटक करती है और मैं देखता हूं, फिर भी पारो की बहुत याद आती है। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया, वो शादी के रास्ते पे चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते। अब एक कभी न खत्म होने वाला नाटक शुरू हो गया। कौन काल तुम तो पारो नहीं हो, फिर क्यों रोती हो? एक छोटी सी भूल और उसकी इतनी बड़ी सजा। क्यों पारो की याद हर वक्त सताती है मुझे? क्यों मैं उसे नहीं भुला सकता? हाँ चलो चल के सो जाओ। सो जाओ? मैं एक शराबी और ये एक अच्छा होने दो, यही होने दो, बुरा क्या है? कोई उम्मीद नहीं, रोसा नहीं, कोई सुख नहीं, तो कोई ख्वाहिश भी नहीं। वाह बहुत अच्छे। देवदास, देवदास, देवदास है? है, मगर सो रहे हैं, इस वक्त ना मिल सकेंगे। मिल तो ना सकेंगे, उसे मिलना ही होगा। बताओ कहाँ छुपा रखा उसे? मैं उसे इस नाक में नहीं रहने दूंगा। कौन? देवदास। धर्मदास, तुम यहाँ कैसे आए? चुन्नी बाबू ने मुझे यहाँ का पता। आए हो? चले जाओ यहाँ से धर्मदास, निकल जाओ बाहर। मैं नहीं जाऊंगा। है तो देवदास, घर से तार आया, मालिक नहीं रहे, हम सबको छोड़कर चलेगा। अब घर चलो देवदास, किसी के लिए नहीं, अपनी माँ की खातिर चलो देवदास। मैं नहीं बचना चाहता, अब बचने से भी क्या फायदा? पारो बेटी एकदम चली आई, ना कोई पासी ना संदेशा। हाँ पिताजी, मनु दीदी का खत मिला था, दिखा था शायद की बहुत बीमार है। वो तो चल भी दिए बेटी। मेरी तो से हो गया थी। आज एक युग बीत गया तुमसे भेंट हुए,
सब अच्छी तो है ना? चौधरी महाशय और लड़के वाले सब ठीक हैं? हाँ। अभी तो कुछ दिन रहोगी ना यहाँ? अच्छा अच्छा, तो फिर मिलूंगा। क्यों धंधा? कहने की बात हो तो कहो, मालिक नहीं रहे, देवता के हाथ में हिसाब रुपए लग गए, अब तो मुश्किल ही है। क्यों मुश्किल है आपको बताना? क्या बताऊं फारू, न जाने उन्हें क्या हो गया है, न खाना है न सोना है, सिर्फ बोतलों पे बोतलें शराब, तीन तीन चार चार दिन न जाने कहां पड़े रहते हैं, और सुना है कई हजार के तो उसे गहने बनवाती है। अब अगर तुम्हें बदनाम करूं तो क्यों लज्जा आती है पागल? पर इसमें लज्जा की क्या बात है, दो जने मिलकर एक लड़कपन कर रहे थे, और फिर देखो ना बीच में क्या कुछ हो गया, तुमने भी गुस्से में आके जो चाह तो कहा, और मैंने भी माथे पर वो निशान बना लिया। बोलती कौन है? मुझे तुझे बहुत गुस्सा आता है बाबू जी, नहीं है ये मेरे लिए कितनी दुख के दिन है, बिल्कुल होती तो ये सब दुख रहता, भाभी को तो जानती भैया का स्वभाव भी किसी से छुपा हुआ तो नहीं, ऐसे में भरा बता मैं अपनी मां को लेकर कहां जाऊंगा, और फिर मेरा क्या होगा ये भी तो कुछ समझ में नहीं आता, तो होती तो सभी कुछ तुझे को सौंप कर खुद बेफिक्र हो रही। अरे तू रो रही है पाई? अच्छा जाने दे, ये बात नहीं खत्म हो गई। सुना है तू बड़ी पक्की गृहस्थिन हो गई है, खूब बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लड़के लड़कियां, और चौधरी महाशय वो भी बड़े, सभी कुछ बड़े। हाँ, एक उपकार कर सकेगी मुझ पर? क्या? इधर तेरी तरफ कोई लड़की मिल सकेगी? जी चाहता है मैं भी गृहस्थ बन जाऊं। ना? हाँ बिल्कुल तेरी तरह हली मानस नहीं बल्कि दुष्ट, जो तेरी तरह मेरे साथ झगड़ा कर सके। नहीं, मुझे मेरे जैसी न जाने कई हजार तुम्हारे जन्मों में आकर अपने आप को भी न समझी। हजार नहीं, अभी तो एक ही काफी होगी। एक बात कहूं? कहो। तुम शराब पी की आदत क्यों डाली? तुझसे किसने कहा? चाहे कोई कहे, क्या ये सच है? हाँ सच है। और उसे कई हजार के गहने बनवा दिए? अभी सिर्फ बनवाए हैं, दिए नहीं। तू देगी? ला दो। देखो मेरे पदों के गहने नहीं है। क्या तुझे चौधरी महाशय ने नहीं बनवा के दिए?
इसलिए थे, लेकिन मैंने वो सब उनकी लड़की को दे दिए। ये शायद उनकी जरूरत ही नहीं पा रहा। और वो जो तुमने बात सुनी है वो झूठ है पारो, मैं किसी और से विचार नहीं करता। अच्छा एक बात की प्रतिज्ञा करो, अब कभी शराब नहीं पियोगे। मैं ये नहीं कर सकता पारो। तू प्रतिज्ञा कर सकती है कि एक बार भी मुझे याद नहीं करेगी। मुझे नीचे काम है पर मैं चलता हूं। नहीं पहले तुम वादा करो। मैं नहीं कर सकता बात। क्यों नहीं कर सकती? क्या सभी लोग सब कुछ कर सकते हैं? कोई फिर मैं क्या इसे जरूर कर सकता है। तो क्या आज रात तुम मेरे साथ भाग कर जा सकती हो? घर जा पा रहा हूं। पहले प्रतिज्ञा करो। जबरदस्ती प्रतिज्ञा कराना कोई अच्छी बात है क्या? लेकिन है आज की बात कल न रख सकू। दरवाजा खोल दे पा रहा हूं। आरती देवदास मेरा दम घुट रहा है। मैं क्या नहीं जानता? मैं बुरी जा रही हूं देवदास, मैं तुम्हारी सेवा न कर सकी। मेरे यहां चलो, यहां तुम्हें देखने वाला कोई नहीं। तेरे घर चलो, तू मेरी सेवा करेगी। ये तो मेरे जन्म भर की साथ है मेरे देवता, मेरी ये साथ पूरी कर दो। इसके बाद मैं मर भी जाऊं तो कोई दुख नहीं। मेरे घर चलो। चल चलूंगा। मुझे छूकर मेरी सौगंध लेकर कहो आओगे? ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा पार। अगर मेरी सेवा करने से तेरा दुख कम होता है तो मैं आऊंगा, मरने से पहले एक बार जरूर आऊंगा। के भिखारी लोग शोर मचा रहे, उनमें से सौ को कपड़े नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? जब सबको मिले हैं तुम्हें भी मिलने चाहिए। जाओ मुनिम जी से कह दो तो मैं समझ। रानी माँ ने कहा है सबको कपड़े मिले। रानी माँ की जय! रानी माँ की जय! सुनिए यहाँ चंद्रमुखी नाम की कोई। हाँ अंदर आओ। अरे ये कमरा ऐसा क्यों? चंद्रमुखी कहाँ है? क्या हाल हो गया है तुम्हारा? हाल कैसा? मैं तो समझती हूँ किस्मत जाग गई मेरी। इतनी जल्दी भूल गए मुझे? तुम कुछ दुबली मालूम हो रही, बीमार थी क्या? शरीर की तो बीमारी कोई नहीं, बदन का कोई गहना नहीं, घर में कोई माल अजबाब नहीं, उसे क्या हुआ? बेच डाला। और गाने बजाने का वो सब साजो सामान? गाने बजाना सब छोड़ दिया। तुम्हारा ये बाहर का कमरा तो बिल्कुल बदल गया है। सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी। आओ।
चुनी बाबू नहीं आते? नहीं, वही 2 महीने हुए आए थे, झगड़ा करके चले गए। सुना है कलकत्ते से बाहर कोई नौकरी कर। झगड़ा किस बात से हुआ था? दलाली करने आए थे, मैंने निकाल दिया। दलाली गई थी? ये तुम भी तो बस समझते ही नहीं, किसी बड़े रईस को पकड़ के ले आए थे। 500 रुपए महीना, ढेर सारे गहने, दरवाजे पे रखवाली के लिए सिपाही। मगर कहाँ है वो सब, दिखाई तो कोई नहीं देता। रहने देती तो देखते, मैंने सबको भगा दी। उनका कसूर? कसूर तो कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब से तुम गए हो यहाँ कोई नहीं आया। तो तुमने दुकानदारी सब उठा दी है? हाँ, दिवालिया जो हो गए। तो अब गुजर कैसे होगा? शहर में रहने से तो होगा नहीं, सोचती हूँ किसी सस्ती जगह में चली जाओ। तो पहले क्यों नहीं चली गई? सिर्फ तुम्हें देख पाने की आस में पड़ी रही, जानती थी एक दिन तुम जरूर आओगी। सिर्फ मुझे देख पाने की आस में? क्यों? तुम मुझसे बहुत नफरत करते थे ना, इतनी नफरत कभी और किसी ने मुझसे नहीं। तुमसे पहले न जाने कितने लोग यहाँ आए और चले गए, लेकिन मैंने किसी के अंदर वो तेज देखा जो तुम में था। तुमने आते ही जाने क्या कर दिया था, जिससे मैं बिल्कुल ही बदल गई। इन आंखों से मुझे हर चीज और ही दिखाई देने लगी। फिर तुमने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब से मुझे बहुत नफरत है, कोई शराब पीकर मतवाला होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब तुम मतवाले होते थे तो मैं रो देती थी। एक दिन तुमने कहा हम लोग कितना सहन करते हैं, उसी दिन मुझे अपने आप पर अभिमान पैदा हो गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ तो दिया चंद्रमुखी, लेकिन औरतों का मन बड़ा चंचल होता है। बेटा, क्या पार्वती ने तुम्हारे मन को बहुत ठेस लगाई? ये क्यों पूछते हो? मैंने जिंदगी में प्रेम का कारोबार बहुत दिनों तक किया है देवदास, लेकिन प्रेम सिर्फ एक बार। प्रेम करना और बात है, रूप का मोह कुछ और। रूप का मोह जितना मर्दों में होता है, हम औरतों में नहीं। तुम लोग आकर प्रेम जतलाते हो, बात बात पे इसका डंडोरा पीटते हो। जब भी हम चुप रहती और सर झुकाकर इस नई जिंदगी को स्वीकार कर लेती, लेकिन उस समय भी हमें प्रेम के अक्षर का ज्ञान नहीं होता। उसके बाद किसी आधे वक्त में हमारे दिल की कोई भड़ास चटपटाती हुई बाहर आकर खड़ी हो जाती है, तब तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हो कलंकी नहीं, विश्वासघाती। डरो नहीं देवदास, मैं तुम्हारी पार्वती की बात नहीं कह रही। शायद पार्वती बहुत ज्यादा रो सकी, लेकिन फिर भी मैं यही जान पाई हूँ, पहले वही तुम्हारे प्रेम में पड़ी होगी, पहले उसी ने तुम पर ये बात जाहिर की होगी। अपने पर से मैंने जाना पार्वती तुम्हें कितना प्यार करती है। क्या था? मैं ये सब अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ देवदास, मैं तो सिर्फ पार्वती की तरफ से वकालत कर रही हूँ। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? आदमी जिसे प्यार न करता हो वही जबरदस्ती प्यार की कहानी सुनाने बैठ जाए। जरा और बैठो, कभी तुम्हें होश में नहीं पाया, कभी इस तरह तुमसे बातें नहीं की। इससे पहले जब तक तुम शराब पीकर नशे में चूर नहीं हो जाते तब तक मेरा मुंह नहीं देखते।
अब तो यूं ही मैं एक बरस तक शराब को छू भी नहीं सकता। मेरे पिता की मृत्यु हो गई ना। फिर पियोगे? कह नहीं सकता। हो सके तो सदा के लिए छोड़ दो, एक ऐसे सुंदर प्राण नष्ट करो। जहां भी जाओ चंद्रू की मुझे खबर जरूर करना, और अगर कभी कोई जरूरत हो तो संकोच मत करना। देखने से बड़ा आनंद मिलता है। अच्छा सुखी रहो। जब से तुम्हारी डोली गई है पारो, गांव का नक्शा ही बदल गया। जिम्मेदार ने काशी पधार दी, देवदास असल यहाँ आता है लेकिन सिर्फ अपने भाई से झगड़ा कर लो और रुपये उधर रुपए मिलते हैं इधर चल देता है। उसके पिता को मरे 2.5 साल हो गए लेकिन इतने ही अरसे में उसने आधी दौलत उड़ा डाली। मैं तो कहती हूँ पारो, भगवान ने अच्छा ही किया जो तुम्हारी शादी उससे ना हो गई थी। वो इन दिनों फिर गांव आया हुआ है, दिन भर बंदूक हाथ में लिए चिड़िए मारा करता है। जब बहुत धूप से सर बोल उठता है तो किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ कर कुछ सोचा करता है। लगता है जैसे कोई बिरही है। Thank you.
महिन, महिन, क्या बात? एक पालकी और कहानों का बंदोबस्त करो। आज इसी वक्त मैं टाल सुना भूल जाऊंगी। मगर माँ पिताजी इलाके पे गए हुए हैं, कल रामनवमी का व्रत है और ब्राह्मणों को न्योता दिया। मत करो, मैं सब जानती हूँ। इस वक्त जो मैं कहती हूँ वही करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा माँ। और चलते चलो पालकी वाले। मैंने कितना मना किया पर मेरी एक न माना और आज सुबह की गाड़ी से कलकत्ते चला गया। चली गई। क्यों भैरव, डाकखाने से हुआ है? हाँ माँ जी, पर कोई चिट्ठी नहीं है। 3 महीने होने को आए, न कोई खत लिखा उन्होंने, न जवाब दिया। सोनापुर की जमींदार का मकान यहाँ से कितनी दूर है? बस कोई कोस भर है माँ जी। जमींदार जी का तो स्वर्गवास हो गया, अब उनके 2 लड़के बीजूदास बाबू और देवदास बाबू। मुझे वहां ले जा सकते हो? क्यों नहीं, जिस दिन आपका जी चाहे। जिस दिन नहीं, अभी चले, तुम तैयार हो? अच्छा माँ। कहीं कड़ी धूप है, ये भी एक रूप है, वो भी एक रूप है। कई यहाँ खोएंगे, कई यहाँ पाएंगे, राही कई अभी जाएंगे, कई अभी आएंगे। ओ राही कई अभी जाएंगे, बीमारियां लगी रहेंगी, लेकिन हमारा काम यहाँ कौन करेगा? खबर जो फिर कभी एक दिन की भी छुट्टी की। प्रणाम माजी। तुम कौन हो जी? आपकी प्रजा हूं माजी, लगान लेके आई हूं। बैठो, कहाँ रहते हो? आप ही के राज आशा छुरी गांव। क्यों माजी, मालिक तो 2 हिस्सेदार है ना? हाँ बेटी, लेकिन 2 दिन में सब हमारा ही हो जाएगा। छोटे बाबू ने तो लुटिया डुबो दी, कलकत्ते में शराब और वेश्या ही लेले मरे हैं, ना जाने कितना रुपया उड़ाया, कुछ हिसाब है? तो
क्या छोटे बाबू कभी घर नहीं आते? उस दिन तो आए थे, बड़े भाई से झगड़ा करके 5,000 रुपए लिए और कल चले गए। तो फिर कब आएंगे? पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे, न जाने क्या क्या बीमारियां लगा रखी हैं, और अब तो बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। वो कलकत्ते में कहाँ रहते हैं? जाने जूते कहाँ रहते हैं, कहीं किसी होटल में खा पी लेते हैं, जिस चीज के घर पड़े रहते हैं, और क्या कर सकते हैं, वो जाने उनका यम जाने। अच्छा माँ जी मैं जाती हूँ। अरे इन्हें लगाम देना है, जरा कचहरी में ले जा। नहीं माँ जी मैं आप ही चली जाऊंगी। पार्वती कितने ही दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, इतने अच्छे अच्छे पहनावे हैं, फिर भी तुम ये मामूली से कपड़े क्यों पहने रहती हो पार्वती? ऐसे ही। और वो इतने गहने आखिर वो किस लिए रखे हैं? गहने तो मैंने यशोदा को दे दी। वो तो अच्छा ही किया, मगर मैंने तो तुम्हें दोबारा बनवा दिए थे, फिर भी तुम ये जोगन का भेस क्यों बना रखी हो पार्वती? जोगन का भेस कैसा? आप जैसे सीधे साधे रहते हैं वैसे ही मैं भी रहती हूँ। मेरी बात छोड़ो, मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम तो बूढ़ी नहीं हो, जरा गहने आहने पहना करो। मुझे गहने अच्छे नहीं लगते। दीदी कौन? चमेली आ, दरवाजा बंद कर दिया। अरे बाप रे इतनी खूबसूरत, आज तक बिजली ये गिरा रही हो, आखिर बात क्या है? एक दिन सब कुछ छोड़ जोगन बन चली गई, आज फिर ये हार सिंगार कैसा? मैं अपने वर को ढूंढने जा रही हूँ। वर? कौन वर? आएगा जब भी पता चलेगा। ओ समझी। लो वो शादी ही आ गए, मैं जाती हूँ। लो हम आ गए। कौन हो तुम? अरे अरे तुम तो दूसरी हो, मगर तुम्हारा भी जवाब नहीं है। वाह वाह बहुत अच्छा। क्या कहा आपने? मैं कहती हूँ निकल जा रहे थे। ओ भार, ये लो भार आ गए। अब मैं पूछ सकता हूँ कि मैं किस लिए बाहर निकाला गया? नहीं नहीं एक बात है। क्या बात? क्या है? जवाब नहीं आपका। क्यों मोहना, कोई देवदास नाम का आदमी यहाँ आता है? देवदास? कौन देवदास? खुला रंग, घनी भवे, तेज भरी आंखें, बहुत बड़े आदमी है, जब आते हैं बहुत माल उठाते हैं। नहीं बहन, ऐसा हमारी किस्मत में कहा है। बर्बाद दिलों का
जीना क्या है, मरना क्या, जिसेरी मैं जिसे थे कल दुनिया से शराब पियोगे? हाँ हाँ, चलो मैं बंदोबस्त कर दूंगी। अरे तुम कहाँ से आ गए मेरे मित्र? वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो। हाँ सुंदर हूँ, चलो चलो। तुम मुझे पहचानती हो सुंदरी? हाँ। ये कहाँ ले आई हो भाई? अच्छा लाओ शराब लाओ। शराब नहीं है तो फिर यहाँ क्यों लाई हो मुझे? यही धोखा दिया? जहाँ से भी हो लाओ। नहीं कि तुम मुझे नसीहत करने वाले कौन हो? लाओ नहीं तो मैं यहाँ से चला। मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अरे मर जाऊंगा, जहन्नुम में चला जाऊंगा, तुमको इससे क्या है? तबीयत ठीक नहीं। जरा बैठे तो सही, मैं अभी मंगवा देती हूँ। तब तक मेरा नाश्ता देखो। नाश्ते में चैन दे दे वो दवा
कल कहाँ से चुरा लाई तुम मुझे है? चुरा नहीं लाई, रास्ते में पड़ा पाया फिर फुटा लाई। और ये सब तुमने फिर से क्या शुरू कर दिया है? गहनों से लदी हुई और नई नवेली दुल्हन की तरह। किसने दिए? फिर मैं तो यही मजाक कर रहा था। न किसी ने दिए न बनवाए, सब नकली है। एक महीने से तुम्हारे लिए यहाँ आके पड़ी हूँ। मकान लिया, किराया भरा, ये सब जेवर खरीदे, बेकार कितने रुपए खर्च करने पड़े तुम्हारे लिए। और एक तुम हो जो कल मुझे पहचान भी नहीं। पहचान नहीं सका, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर कभी कभी शक जरूर हुआ और बार बार यही सोचता रहा कि कौन इतनी सेवा कर सकता है सिवाय मेरी चंद्रमती। देवदास, क्या अब भी तुम उसे उतने ही नफरत करते हो? नहीं चंद्रमती, बल्कि प्यार करता हूँ। तबीयत कुछ ठीक हुई? आपकी दवा ने अच्छा कर दिया है डॉक्टर। मेरी दवा ने नहीं, इनकी दुआ ने, दिन रात की सेवा ने। मगर ये मत समझिए कि आप एकदम तंदुरुस्त हो गए। आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। शराब आपके लिए जहर है। हो सके तो कलकत्ते से बाहर कहीं आबोहवा बदलने चले जाइए। अच्छा, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कुछ दिन के लिए कहीं जाना चाहिए। तुम मेरी कौन होती हो चंद्रमुखी, जो इतनी सेवा कर रही हो? क्या आप भी ये समझ नहीं सकी? समझ तो लिया, लेकिन इससे भी क्या होता है? देखो ना, मैं पार्वती को कितना चाहता हूँ, वो भी मुझे कितना चाहती थी, लेकिन समाज ने नहीं चाहा। सिवाय दुख के और क्या मिला? इतना दुख पा के सोचा था कभी इन बंधनों में नहीं फंसूंगा, और अपनी मर्जी से फंसा भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया चंद्रमुखी? क्यों इस तरह बांध लिया मुझे? शायद तुम भी पार्वती की तरह ही दुख झेलोगी। तुम दोनों में कितना फर्क है, और फिर भी तुम कितनी एक सी हो। एक बड़ी खुददार और चंचल, दूसरी शांत और गंभीर। वो कुछ भी नहीं सह सकती और तुम सब कुछ सह गुजरती हो। उसकी कितनी इज्जत है और तुम कितनी बदनाम हो। उसे सभी प्यार करते हैं और तुमसे नफरत। लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता चाहूंगी, कर ही नहीं सकता। मेरे लिए यही बात है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, गाड़ी आ गई। मफलर में जाने कहाँ रख दिया मैंने? कुर्सी पे। तुम रो रही हो चंद्रमुखी? नहीं।
जरा मुंह तो उठाओ, उठाओ मुंह। देखो ये इतने कपड़े लत्ते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मेरे। जरूरत थी या नहीं ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। देश में एक तांती की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो। ये हो ही नहीं सकता चंद्र जी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में अकेले कैसे जाओगी, कैसे रहोगे? मैंने धनदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन से मुझे मिल जाएगा। मुझे एक वरदान दोगे? क्या? अब कभी शराब नहीं पियोगे। वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा। सुनो शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना। अच्छा चंद्रमुखी। देखो ये रख लो अपने पास। नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूं। देखो चंद्रमुखी जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो। जरा ठहरो। फिर कब मिलना होगा? कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूं चंद्रमुखी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा, तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। जन्म के इंतजार में इस जिंदगी गुजार दूंगी। जाना है कुछ तय किया? नहीं अभी कुछ तय नहीं किया। तो फिर काशी चलो ना माँ के पास। नहीं धर्मदा मैं काशी नहीं जाऊंगा, मैं कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ।
घर से मैंने जाना। पार्वती तुम्हें कितना प्यार करती है। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा कि मैं तुम्हारे पास छुप कर आई थी तो ये निंदा मुझे न लगेगी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आखिर तुम जाना कहाँ चाहते हो। मैं अपने आप से कहीं भाग जाना चाहता हूँ धर्मदास। तुम्हारी ये बेसरफाई की बातें मेरी समझ में नहीं आती धर्मदास। मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम स्टेशन से अपने लिए कुछ ले लो। तुम खाना क्यों खाओगे? फिर बुखार आ गया क्या? नहीं। बुखार क्यों ना हो, अपने आप इतना जुल्म करोगे तो और क्या होगा देवा। मैं कह देता हूँ अगर इसी तरह तुम दिन रात घूमते रहो तो मैं गाँव वापस लौट जाऊंगा। तो जाओ, जा सकती हो तो जाओ। हाँ, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए तुम मुझे सता रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा, कल सुबह किसी भी बड़े स्टेशन पर उतर के तुम्हें डॉक्टर को दिखलाऊंगा। ये रोज रोज का बुखार आना अच्छा नहीं। धर्मदास, ये बत्ती जरा बुझा देना। अच्छा, रात ज्यादा हो गई, अब आराम से सो जाओ, मैं अपने डब्बे में जाता हूँ। देवदास। अरे चुनी बाबू, तुम ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबरें? खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे? भाई कलकत्ता हमें राज नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे? ये अभी कुछ तय नहीं किया। मकसद? जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू। तुम रहे वही देवदा। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पर पैसे जाया किया जाए। लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला लो। मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू। किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा। अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे। तुम्हें क्या दुख है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास। लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार हो। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बचाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं। अरे हमको तो यही उतरना, ये बोतल नहीं छोड़ रहा था। जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। ये प्यास क्यों नहीं बुझती, ये कभी ना खत्म होने वाली प्यास। देवदास, क्या हुआ?
रहा नहीं गया धर्मदा। तुम्हारा बदन कितना जल रहा है, चलो इसी स्टेशन पर उतर चले, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखलाऊंगा। नहीं मुझे रोको मत धर्मदा, मुझे चलने दो। अब मत पियो देवदास, डॉक्टर ने मना नहीं किया था, एक घूंट भी शराब पी तो मर जाओगे। नहीं पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा धर्मदा। बुखार कैसा है? बहुत। मैं क्या करूं देवा, तुम्हारा बुखार तो उतरता ही नहीं। मेरे जाने का वक्त आ गया है धर्मदा। कहां जाने का? इस दुनिया से। मत कहो ऐसी बातें, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कहो देवा। अभी से क्यों रोते हो धर्मदा? रो ना तो और क्या करूं, तुम समझते हो मेरा दिल पत्थर का है? तुम्हारे पांव पड़ता हूं देवता, लौट चलो। कहां? किसके पास धर्मदा? कौन है मेरा इस दुनिया में? क्या कह रहे हो देवा, तुम्हारा सब कोई है? मेरा सब कोई है, मैं ही किसी का नहीं धर्मदा। ऐसे मत कहो, मुझे नहीं सुना जाता। सामने मबलसरा है, वहीं उतर के काशी चले जाएंगे माँ के पास। माँ? हाँ माँ के पास। मैं एक शराबी, बदकार, बदचलन, माँ को ये काला हूं नहीं दिखाऊंगा धर्मदा। देवा फिर गांव लौट चल। गांव? ये ठीक है, ये खोखला बदन भी तो वहीं की मिट्टी है ना धर्मदा। इसे नहीं ले चलो। धीरपुर मीरगंज मानकपुर की सवारी उतर जाए। पांडवा स्टेशन मानकपुर मीरगंज की सवारी उतर जाए। पांडवा स्टेशन धीरपुर मीरगंज मानकपुर की सवारी उतर जाए। अगर मेरी सेवा करने से तेरा दुख कम होता है तो मैं तेरे यहां आऊंगा, मरने से पहले एक बार जरूर आऊंगा।
गाड़ी वाले, ओ भाई गाड़ी वाले, मानिकपुर चलोगे? मानिकपुर? हाँ, वो तो यहाँ से बहुत दूर है बाबूजी, और रास्ता भी बड़ा खराब है। मैं तो इस अंधेरी रात में नहीं जाऊंगा। रात को यहीं सो जाइए, अब सुबह ले चलो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है भाई। जी देखो, मुझे वहां जाना ही है। मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा, मुझे वहां ले चलो। आइए 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 बाबूजी, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। और कितनी देर है भाई गाड़ी वाले? बाबूजी अभी अभी तो आप गाड़ी पे बैठे हैं, अभी तो बहुत दूर जाना। बड़ी हो गई क्या कभी खत्म नहीं होगा? होगा हजूर, जरूर खत्म होगा। बाबूजी मानिकपुर तो पहुंच गए, ये रहा जमींदार साहब का मकान, आपको कहाँ जाना है? अरे सो गए बाबूजी क्या? बाबूजी बाबूजी आप सो गए क्या? बाबूजी हम मानिकपुर आ गए, आपको किसके घर जाना है बाबूजी? आप बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ बाबूजी? यहाँ आकर क्यों खड़ी हो गई पार्वती? किसी ने मुझे पुकारा ना? क्या कह रही हो, इतनी रात में कौन तुम्हें पुकारने आएगा? नहीं, मैं तो लाता ही नहीं, ये रात तो बहुत खांसी बासी हुई।
नमः प्रकृतये भद्रायै नदः प्रणदः मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौरी श्यामू की माँ, बाहर फाटक के पास इतने आदमी क्यों जमा हुए हैं? सुना है कोई बीमार परदेसी रात भर से फाटक के पास पड़ा है, बस अब दो चार सांसें और लेगा। दुर्गायै दुर्गपालायै धारायै सर्वकारिणै सात्यै तथैव कृष्णायै भूम्नायै सततं नमः अतिसौम्यातिरुद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देवै कृत्यै नमो नमः सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शपथिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जा देवी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं मालूम होती, जाइए ऊपर जाकर आराम कीजिए। ना जाने पूर्व जन्म की मुक्ति खरीदी हुई, सिर्फ यहाँ मरने के लिए बिचारा चला है। कुछ पता चला कहाँ का रहने वाला था? सुना है वो ताल सोनापुर गाँव का रहने वाला था। कौन कौन से नपुर का रहने वाला था? मालकन अभी अभी बाहर एक आदमी मर गया, उसी की बात कर रहा। क्या नाम था? मुझे मालूम नहीं, वो महेंद्र बाबू वहीं से आ रहे हैं, शायद उन्हें पता। महेंद्र बाहर कौन में रहा? ठीक ठीक तो पता नहीं चला माँ, लेकिन सब पता है आपके गांव का कोई देवदास मुखर्जी मरा है। कौन? आपके गाँव का देवदास। कैसे जाना? जेब में दो चिट्ठियां थी, एक द्विजदास मुखर्जी, हाँ, उनके बड़े भाई, दूसरी काशी से हरिमती देवी, हाँ, उनकी माँ, हाथ में नीलम की अंगूठी थी, हाँ हाँ ताया जी ने दी थी, मैं जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? अब तक तो दो मुझे ले गए। Oh,